तो जैसे आपको पता होगा कि पार्ट टाइम जॉब की सिचुएशन जो है वो थोड़ी टफ हो चुकी है आज की डेट के अंदर, तो मैं सोच रहा हूँ उसी के ऊपर एक पूरी सीरीज और कुछ वीडियोस अपलोड करूंगा कि जिसमें ओनली हम पार्ट टाइम जॉब्स जो डिफरेंट होती है, जो यहाँ पे एज अ स्टूडेंट लोग काम करते हैं, उसके बारे में ही बात करेंगे। आज के वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे वर्किंग पार्ट टाइम एट वॉलमार्ट। सो मेरी एक दोस्त है जो वॉलमार्ट के अंदर पिछले 5-6 महीने से काम कर रही है, तो उनसे सारी चीजें हम जानेंगे वॉलमार्ट में काम करने के लिए, जैसे कि कौन सी पोजीशंस अवेलेबल होती है, क्या आपको काम करना पड़ता है, पे रेट कितने तक होता है, हायरिंग प्रोसेस क्या होती है, इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चंस पूछते हैं। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो आज के वीडियो के हमारे जो गेस्ट हैं वो है काजल पटेल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच काजल फॉर बीइंग हियर। एंड काजल से पूरा क्वेश्चन आंसर पूछने से पहले एक छोटा सा उनका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि वो अभी हाल की डेट में कहाँ है, कौन से कॉलेज में है और क्या प्रोग्राम स्टडी कर रहे हैं। मेरा नाम है काजल पटेल, आई एम फ्रॉम सूरत और मेरा कोर्स है क्वालिटी एश्योरेंस। मेरे कोनेस्टोगा कॉलेज वाटरलू कैंपस में मैं स्टडी कर रही हूँ और उसके साथ मैं वॉलमार्ट में जॉब कर रही हूँ पार्ट टाइम। अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तो सबसे पहला मैं पूछना चाहूंगा आपको कि यहाँ पे जैसे ये वॉलमार्ट है तो वहाँ पे कौन कौन सी डिफरेंट टाइप की पोजीशंस जो है वो अवेलेबल होती है और उस पोजीशंस में जो काम रहता है वो किस टाइप का काम रहता है, वो करना रहता है अगर कोई नया स्टूडेंट आ रहा है जिसको जानना है कि कौन सी पोजीशंस होती है और क्या काम होता है, तो वो दोनों को अगर आप डिस्क्राइब कर पाए तो। वॉलमार्ट में बहुत सारी पोजीशंस होती है अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट्स, लाइक वहाँ पे होते हैं फैशन, डेली, बेकरी, फ्रंट डेस्क, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो फ्रंट डेस्क में होता है कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर सर्विस, कैशियर और ग्रेटर, वो सब होता है। और दूसरे डिपार्टमेंट्स होते हैं जैसे कि मेरा है डेली बेकरी, तो उसमें आपको स्टॉक करनी होती है जो फ्रेश प्रोडक्ट्स होते हैं उसको स्टॉक करना होता है, जैसे कि ब्रेड्स, क्रोसेंट्स, बेगल्स एंड एवरीथिंग। और डेली डिपार्टमेंट होता है तो उसमें होता है कि आपको चिकन कुक करने होते हैं और समोसे बेक करके उसको कस्टमर के लिए फ्रंट पे रखना होता है। और अब जो भी यहाँ पे मैंने देखा है कि जनरली जो कोई भी पोजीशंस होती है वो स्टार्टिंग के लेवल पे यहाँ पे एसोसिएट बोलते हैं आप उनको? हाँ, यहाँ पे सब जो वर्कर्स होते हैं उनको एसोसिएट करके बुलाते हैं। ओके, और फिर उसके ऊपर डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा है, जैसे कोई ग्रोसरी में कर रहा है तो ग्रोसरी का टाइटल होगा, कोई जैसे आपने बताया आप बेकिंग ग्रोसरी में होता है तो उनको कैप 1 कैप 2 ऐसे एसोसिएट करते हैं, कैप 1 एसोसिएट, कैप 2 एसोसिएट्स ऐसे। ओके, और जैसे आपने बताया कि आपका काम होता है जो बेक फ्रूट्स है जैसे ब्रेड्स हो गया, बेगल्स हो गया, तो वो सबकी स्टॉकिंग वगैरह करना और उसका रोटेट करना है जो कोई भी प्रोसीजर होता है वो। और आपने बताया कि आप बेक भी करते हो थोड़ा बहुत? हाँ, समोसा और चिकन्स वो होते हैं वो हम बेक करते हैं। और कुछ गुड्स होते हैं जैसे कि यहाँ पे सॉर्डो बॉल्स जैसे ब्रेड्स के नेम्स है अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ, तो उसको हम प्रीहीट करते हैं बिफोर पुटिंग इट आउट। ओके, नाइस। एंड यहाँ पे जो बेसिकली कॉमन जो पोजीशंस होती है वो कैशियर की भी होती है, राइट? जो ये आगे अगर आप किसी भी क्यू में जाओगे किसी भी सुपर सेंटर के अंदर तो लास्ट में बिलिंग के अंदर जो आपको आपकी चीजें सारी जो होती है स्कैन करते हैं और आपसे पेमेंट लेते हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग कई बार लगते हैं अगर ज्यादा ट्रैफिक है स्टोर के अंदर या ज्यादा लाइन है तो उसमें एटलीस्ट उन्होंने 4-5 लोग लगे रखे होते हैं, राइट? और आप देखोगे तो आपको ज्यादातर लोग इंडियंस ही देखने को मिलते हैं उधर मोस्टली। अब दूसरा जो क्वेश्चन है मेरा वो है पे रेट के बारे में कि अगर आप यहाँ पे ये जो एसोसिएट लेवल की या स्टार्टिंग की पोजीशन होती है वहाँ पे अगर आप पार्ट टाइम काम चालू करते हो तो आपको पे रेट जो होता है वो कितने तक है और आपका कितना है? मोस्टली यहाँ पे स्टार्टिंग के रेट्स होते हैं, स्टार्टिंग के जो वेजेस होते हैं लाइक 15.50 to $17 मैक्सिमम, और 17 भी आपको कुछ टाइम के एक्सपीरियंस के बाद मिलता है। ओके, सो यानी स्टार्ट कर रहे हो तो अराउंड 16 समथिंग पे गिन सकते हैं। ओके, और हाल की डेट में ओंटारियो का जो मिनिमम वेज है वो अराउंड 15.50 है, तो यानी मिनिमम वेज से थोड़ा $1 या 50 सेंट ज्यादा आपको यहाँ पे मिल सकते हैं और डिपेंडिंग अपॉन योर पोजीशन एंड डिपार्टमेंट। अब बात करते हैं कि यहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे आ रहा है तो उसको कुछ पता नहीं जैसे वॉलमार्ट के बारे में और वो अप्लाई करना चाहता है पार्ट टाइम जॉब के लिए, तो उसको अगर आप पूरा हायरिंग का प्रोसेस उसको गाइड कर पाओ या कहाँ से अप्लाई करते हैं और क्या चीजें रहती है, इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे फाइनली वो जॉब अचीव कर सकता है या जॉब ऑफर लेटर ले सकता है, तो उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर पाए तो
पहले तो आपको वॉलमार्ट करियर पे अकाउंट बनाना होता है, फिर आप जिस एरिया में लोकेशंस पे होते हो उसके उसके नियरर जो स्टोर्स होते हैं उसके बारे में सर्च करना होता है. फिर उसमें आपको जनरल क्वेश्चंस और वो सब पूछते हैं अकाउंट बनाने के बाद. तो आप वो सब फिल करो, फिर उसमें आपको रेज्यूमे डालना होता है, एबिलिटी डालनी होती है कि आप कौन से टाइम पे अवेलेबल हो. और उसके बाद आपको लास्ट में पूछते हैं कि आपके पास कोई रेफरेंस है या नहीं. तो उसमें अगर आपके पास रेफरेंस हो तो आप डालो, अगर रेफरेंस ना हो तो आप किसी भी स्टोर पे जाके वो ऐड कर सकते, किसी के साथ रिलेशन बना के उसके साथ उसका रेफरेंस यूज कर सकते हो. और उसके बाद अगर आपने फिलअप कर दिया कि आप कौन सी पोजीशन पे वर्क करना चाहते हो, तो उसके बाद आपको वहां से मेल आता है कि हम आपकी एप्लीकेशन के साथ आगे जाएंगे. तो उसके लिए वो असेसमेंट क्विज रखते हैं, तो आपको वो फिलअप करना होता है. उसमें जनरल क्वेश्चंस और होते हैं जिसमें आपको आपका कस्टमर सर्विस का एक्सपीरियंस और वो सब होता है. आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो. फिर इसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, तो इंटरव्यू के लिए वो लोग ग्रुप में बुलाते हैं. उसमें आपको जनरल क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, कौन सा कोर्स कर रहे हो, क्या एक्सपीरियंस है आपका, वो सब. फिर वो लोग वहाँ पे एक मिनट का टेस्ट लेते हैं, जैसे हमें आइल्स में क्यू कार्ड में होता है वैसा, कि स्टोर में जाके आपको एक कोई भी एक चीज पिक करनी होती है उसको आपको एक्सप्लेन करना होता है 1 मिनट के लिए. और आपको उसके बाद कोई भी चीज ले सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं होता है कि ये ही चीज लेना होता है. उसको एक्सप्लेन करो अच्छे से ताकि वो लोग आपको चेक कर सके कि यू कैन एक्सप्लेन इट और नॉट. और उसके बाद होता है कि अगर उन लोगों ने आपको सिलेक्ट किया तो उसको आप लोगों को वो लोग ऑफर लेटर भेजेंगे कि यू गॉट सिलेक्टेड. एंड उसके बाद ओरिएंटेशन और वो सब का स्केड्यूल भेजते हैं. ओके, सो मेनली ऐसे अगर हम स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करें तो पहला आपको अप्लाई करना है, उसके बाद आपका असेसमेंट जो ऑनलाइन होता है वो आप यूट्यूब पे से वीडियो देख के वगैरह फिलअप कर सकते हो अगर आपको करना है तो, और खुद से भी कर सकते हो अगर आप कॉन्फिडेंस हो तो. उसके बाद आपका फेस टू फेस या ग्रुप इंटरव्यू जो होता है, और उसके बाद आपको सिलेक्ट करते हैं. मैंने भी, मेरे को याद है जब मैं यहाँ पे कनाडा नया नया आया था तब मैंने भी ऐसे वॉलमार्ट में बहुत सारी जगह पे अप्लाई करा था, तो मेरे असेसमेंट तक का पार्ट आ चुका था. और आई गेस मैंने इंटरव्यू स्केड्यूल करने के लिए भी मेल आ गया था, थर्ड राउंड तक भी मैं पहुँच चुका था. बट उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि इंटरव्यू आप जो स्केड्यूल कर रहे हो उसको अगर आप 2 हफ्ते बाद फ्री हो तो आप 2 हफ्ते बाद सिलेक्ट करते हो, और अगर कोई बंदा नेक्स्ट डे ही सिलेक्ट कर रहा है और उनको ऐसा लग गया नहीं ये बंदा बराबर है तो उसको पोजीशन उसको दे जाता है. तो अगर पॉसिबल हो तो इंटरव्यू जो शेड्यूल कर रहे हो वो नेक्स्ट डे या ऐसे जितना जल्दी पॉसिबल है उतना करो, ताकि आपकी पोजीशन कोई और ना ले जाए. रही अब बात करते हैं कि अगर आप वॉलमार्ट के अंदर जॉब कर रहे हो एज अ पार्ट टाइम एज अ स्टूडेंट, तो आपके और कोई बेनिफिट जो है जो वॉलमार्ट आपको प्रोवाइड करता है अपार्ट फ्रॉम योर वेजेस एंड सैलरी? वॉलमार्ट में एक ही बेनिफिट है, आपको डिस्काउंट कार्ड मिलता है. तो उसमें होता है कि एवरी टाइम आप परचेस करते हो तो 10% डिस्काउंट होता है, और मंथली एक बार वो लोग आपको 20% डिस्काउंट देते हैं. आपका जो प्रोबेशन पीरियड होता है तो वो खत्म करने के बाद आपको मिलता है, तो आफ्टर 3 मंथ्स आपको वो वॉलमार्ट का एसोसिएट कार्ड मिलता है, डिस्काउंट कार्ड. और किसी भी चीज के ऊपर आपको, आपने जैसे बताया 10% किसी भी दिन और 20% महीने में एक दिन, उतना डिस्काउंट मिल सकता है. ओके, ये भी काफी ज्यादा अच्छी बात है अगर आप ग्रोसरी ज्यादा बल्क में करते हो, जैसे $100-200 का कई बार बिल बन जाता है अगर सेटिंग में कर रहे हो तो उसके ऊपर आप अपना कार्ड यूज करके सारी ग्रोसरी के ऊपर 10-20% डिस्काउंट लोगे तो आपके ऑलमोस्ट टैक्स के पैसे बच जाएंगे. राइट, सो आई थिंक मेजोरिटी ऑफ द थिंग्स हमने कवर कर ली है, बट अगर आप अपने पर्सनल ओपिनियन से किसी स्टूडेंट को कोई टिप या एडवाइस देना चाहो जो यहाँ पे वॉलमार्ट में एप्लीकेशन के लिए प्रिपेयर कर रहा है या जो प्लानिंग कर रहा है अप्लाई करने के लिए, तो आप उसको क्या टिप्स देना चाहोगे? एक तो आपका रिज्यूमे जो है वो आपकी जो पोजीशंस होती है उसके अकॉर्डिंग टू आप मॉडिफाई करो. जैसे कि जिस पोजीशन पे आप अप्लाई करने वाले हो तो उसका एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए. और रेफरेंस डालो, अगर आपके पास रेफरेंस है तो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है. और जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाओ कॉन्फिडेंट रहो, क्योंकि वो लोग वही देखते हैं कि आप कॉन्फिडेंट हो कि नहीं.
सो आई थिंक हमने सारी चीजें कवर कर ली है वॉलमार्ट की जॉब के रिगार्डिंग, बट अगर आपका कोई भी कोई ऐसा क्वेश्चन है जो हमने वीडियो में कवर नहीं करा है तो मैं काजल का इंस्टाग्राम आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उनको डीएम कर सकते हो आपका जो कोई भी क्वेश्चन है उसके रिगार्डिंग। आई थिंक दैट्स एवरीथिंग फॉर टुडेज वीडियो, एंड फिर कभी मिलता है ऐसे किसी व्लॉग के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।